जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एंकर प्रीति रागिनी और आज मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं तैयार हूँ। और आप सोच रहे हैं कि कहाँ के लिए, तो आपको सावन का टाइम है और मैं मंदिर जा रही हूँ, जो कि रांची से ही कुछ दूर यानी चुटिया में सुरेश्वर धाम। काफ़ी प्रचलित ये मंदिर है, काफ़ी दिन तो नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, तो मैं वहाँ दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। पूजा अर्चना भी करूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका दर्शन करें, तो मैं तैयार हूँ और मैं अपने साथ यहाँ पे इस लोटे पे दूध लेके जा रही हूँ। बाकी सब सामग्री वहीं पे मिल जाएगी, तो बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉक में और आप भी दर्शन करें और आप सबकी मनोकामनाएं महादेव पूरी करें। तो चलिए आगे स्टार्ट करूँगी मंदिर से ही। हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई हूँ सुरेश्वर धाम चुटिया में, जो कि ये मंदिर है और काफ़ी पुराना नहीं है। इसका निर्माण 2022 में हुआ है और कम समय में काफ़ी प्रचलित हो चुका है ये मंदिर और बहुत ही खूबसूरत बना है ये मंदिर। वैसे तो कण कण में महादेव हर जगह पे है लेकिन इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, तो आज मैं पहुंच चुकी हूँ। हर हर महादेव। तो मैं सुरेश्वर धाम मंदिर पहुंच गई हूँ दोस्तों और पूजा का सामान ले ली हूँ और भैया ने बहुत अच्छे से मेरा थाली एकदम पूजा का सजा दिए हैं, तो आगे चलते हैं, दर्शन भी करेंगे और पूजा भी करेंगे। बने रहिए वीडियो मेरे साथ। और ये मंदिर का प्रांगण है और आज थोड़ी भीड़ कम है। वैसे बहुत काफ़ी भीड़ रहती है सावन महीने में सोमवार के दिन, और मैं शुक्रवार को 10-10:30 बजे के समय में गई थी, इसलिए थोड़ा हल्का भीड़ देखने को मिला, तो बहुत आसानी होगी अंदर जाने में और दर्शन करने में। और चलिए मैं आपको दिखा पाऊँ पूरा अंदर का बाबा का गर्भगृह के मंदिर के पास आ गई, तो अंदर दोस्तों मेरी पूजा अर्चना हो गई है, मैंने भोलेनाथ का बहुत अच्छे से दर्शन किया। वैसे सावन का महीना चल रहा है लेकिन मैं सोमवार के दिन अगर आती तो काफ़ी भीड़ मिलती, तो आज शुक्रवार है तो इसलिए थोड़ा भीड़ कम है और काफ़ी शांति से हम पूजा भी कर पाए। और टाइम था 10-10:30 बजे का समय था, तो इसलिए भीड़ थोड़ी सी कम मिली और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी देर रहने का मन करता है क्योंकि ये मंदिर के बाहर का जो खुला हुआ प्रांगण है वहाँ पे कुछ देर बैठूंगी, और साथ में मेरे पतिदेव आए हैं तो उनको भी मंदिर से बहुत लगाव है। तो सुरेश्वर धाम मंदिर में पहले आ चुकी हूँ दोस्तों के साथ, लेकिन पहली बार उनको लेके आई हूँ और वो घूम रहे हैं चारों ओर मंदिर के प्रांगण की ओर, और मैं आपको सुरेश्वर धाम मंदिर रांची में है, रांची चुटिया में। और ये मंदिर का चारों ओर का प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ बैठने के लिए काफ़ी स्पेस है और मंदिर तो ऐसे ही शांतिपूर्ण जगह होती है और बहुत आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आने के बाद कुछ देर रुक जाना ही अच्छा लगता है। देखिए मेरे पतिदेव यहाँ पे बैठे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार उनको लेके आई हूँ और वो पहली बार यहाँ आके दर्शन कर रहे हैं,
तो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा, और आप भी आएँ दर्शन करें। तो दोस्तों मेरा पूजा यहाँ पे हो गया, सुरेश्वर धाम का दर्शन भी हो गया, और मेरे पति भी साथ में आ जाए थे, और बहुत अच्छे से हम लोग दर्शन भी किए, पूजा भी किए। तो आपको कैसा लगा दर्शन करके? बाकी अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन आज बहुत शांति से हम दर्शन कर पाए, क्योंकि सावन होते हुए भी आज हम सोमवार को नहीं आए थे, शुक्रवार को आए थे, इसलिए थोड़ा सा हल्का भीड़ था, और 10-10:30 बजे का समय था। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, यहाँ काफ़ी देर से हम लोग बैठे थे, बहुत चारों ओर घूमे, और पूरा वीडियो में आप देख लीजिएगा, मंदिर के आसपास के पूरे प्रांगण को आपको दिखाएंगे। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, बोल रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आप सभी की मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करें, बने रहे मेरे वीडियो, कमेंट करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर से लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।